कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत का नाम रोशन हो और पूरी दुनिया में हमारा भारत टेक्नोलॉजी में नंबर वन पे देश आना चाहिए। नमस्कार, आपनों मेटा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया है, इसमें किस प्रकार से भारतवासियों में उत्साह है, इसका नमूना हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मेरे साथ एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मौजूद है जिसने चंद्रयान 3 का मॉडल है हूबहू बनाया है। हमसे बात करेंगे किससे प्रेरणा मिली है, किस प्रकार से बनाया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमेर। सुमेर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। और आपके स्कूल का क्या नाम है? जी यूपीएस बग्गड़। पूरा नाम बताओ हिंदी में एक बार। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बग्गड़। बग्गड़। और ये आपके हाथ में है, ये किस चीज का मॉडल बनाया आपने? चंद्रयान 3। आपको कैसे लगा कि ये चंद्रयान 3 का आपको ये मॉडल बनाना चाहिए, किससे प्रेरणा मिली आपको? मुझे ये लगता है कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में नंबर वन लाना चाहते हैं। तो आपको कब पता चला, किस माध्यम से पता चला कि चंद्रयान 3 बना दिया गया और इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है? हमारे सोके राम जी पीटीआई जी से। और इससे पहले कोई मॉडल आपने बनाया? यही मॉडल बनाया है। और आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? इस जिस तरह से आपने ये अंतरिक्ष में जाने वाला जो सैटेलाइट का जो है मॉडल बनाया है, आगे बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? दिन रात मेहनत करके हम अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। और आप एक राजकीय स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, लोगों को इस तरह की धारणा होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाई मिलती है और लोगों मतलब टीचर है उनका किस प्रकार से गाइडेंस मिलता है आपको? हमें सही मिलता है, हमारी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में सही पढ़ाते हैं और हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। और पढ़ाई के साथ खेल वगैरह भी खिलाते हैं आपको? और उसको लेकर भी आपको गुरुजन हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे नाम रोशन करेगा, तू पूरी शिक्षा लेके नाम रोशन करना हमारे पूरे स्कूल का और बग्गड़ का। और ये जो वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे और उनके माता पिता, उनको आप क्या कहना चाहोगे, छोटे से बच्चे की तरफ में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत का नाम रोशन हो और पूरी दुनिया में हमारा भारत टेक्नोलॉजी में नंबर वन पे देश आना चाहिए। चलो, आखिर में ये सवाल हो रहा है कि ये चंद्रयान 3 है वो कौन से स्पेस से छोड़ा गया था? सतीश धवन केंद्र से और आंध्र प्रदेश से। होना चाहिए कि जो चंद्रयान 3 बनाया गया उसमें नागौर की एक बेटी थी जिसका बड़ा योगदान था, जो सैटेलाइट गया उसका जो लोकेशन बताते वो सेंसर है, डीडोना की बेटी थी जो सुनीता खोकर है, उसने उसमें योगदान दिया है, पता है इस चीज आपको? हाँ पता है सर। सुमेर, हमें ये बताइए कि चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है ऊपर जाकर ये क्या काम करेगा और क्या क्या सोचना है वो यहाँ देगा? हमारे चांद पर हमारे पहले एक विक्रम लैंडर था, वो उसका कनेक्टिंग टूट गया था, इसलिए वहाँ पे उसने पानी की खोज करने के लिए ये मिसाइल भेजी है और हमारी यहाँ भारत की कॉलोनी बनेगी चंद्रमा पे। हाँ। और ये कितने दिन में है वो स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे? 40-42 दिन से। और अभी तक आप देखते हैं रोज टीवी में या फोन? हाँ। में देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्थिति इसकी? हाँ सर, अभी तो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा के पहुंचने वाला है। तो बिल्कुल देखो, सुमेर है 7वीं क्लास में पढ़ता है और कितना ध्यान रखता है, चंद्रयान 3 बनाया क्या काम आएगा और भारत में कौन सा चंद्रयान आगे भेजा गया और सैटेलाइट क्या काम करता है। तो इस छोटे से बच्चे की जो प्रतिभा है आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इनसे प्रोत्साहित हो सके और अपनी जो हुनर है, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही मन लगे, पढ़ाई के अलावा भी जिसमें आपकी रुचि हो, हॉबी हो, उसी चीज में आप काम करना चाहिए ताकि आप जो भी चीज है उस मिशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।